आपराधिक मामलों में सजा पाने वाले नेताओं को उम्र भर चुनाव लड़ने से वंचित होना पड़ सकता है। ऐसा तब होगा जब सुप्रीम कोर्ट अपने एमिकस क्यूरी की सलाह मान लेता है। एमिकस क्यूरी यानी कि न्याय मित्र। राजनीति के अपराधीकरण को रोकने से जुड़ी एक याचिका में एमिकस क्यूरी ने कोर्ट को सलाह दी है कि सजा याफ्ता नेताओं को जीवन भर चुनाव नहीं लड़ने देना चाहिए। एमिकस क्यूरी के वरिष्ठ वकील विजय हंसारिया ने यह सलाह उस मामले में दी जिसमें जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 8 को चुनौती दी गई। वकील अश्विनी उपाध्याय की इस याचिका में कहा गया है कि इस धारा के तहत 2 साल या फिर उससे ज्यादा की सजा पाने वाले नेताओं को गलत रियायत दी गई है। ऐसे सजा याफ्ता नेता अपनी सजा पूरी करने के 6 साल बाद चुनाव लड़ने के योग्य हो जाता है। इस प्रावधान को असंवैधानिक करार दिया जाना चाहिए। इस मामले को सुनते हुए सुप्रीम कोर्ट ने वरिष्ठ वकील विजय हंसारिया को एमिकस क्यूरी नियुक्त किया था। इस मामले में इससे पहले याचिकाकर्ता की दलीलों और एमिकस की रिपोर्ट को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पूरे देश में विशेष MP MLA कोर्ट बनाने का आदेश दिया था ताकि जनप्रतिनिधियों के खिलाफ लंबित मुकदमों का तेज निपटारा हो सके। हंसारिया की नई रिपोर्ट अब नेताओं को और ज्यादा मुश्किल में डाल सकती है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि आपराधिक मामलों में सजा पाने वाला व्यक्ति सरकारी नौकरी के लिए अयोग्य माना जाता है और अगर वो नौकरी पर है तो सजा मिलते ही उसे बर्खास्त कर दिया जाता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग या केंद्रीय सतर्कता आयोग जैसी संस्थाओं में भी सजा याफ्ता व्यक्ति को किसी पद के लिए योग्य नहीं माना गया। अब ऐसे में नेताओं को विशेष छूट देने का कोई औचित्य नहीं है। इस बात की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए कि सजा पाने वाला व्यक्ति संसद या विधानसभा में बैठकर दूसरों के लिए कानून बनाए। ये मामला जल्द ही चीफ जस्टिस PY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच के सामने लगने वाला है। कोर्ट इस रिपोर्ट के आधार पर केंद्र सरकार से जवाब मांग सकता है। सभी पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट अगर सजा याफ्ता लोगों को जीवन भर चुनाव न लड़ने देने के सुझाव को मान लेता है तो ये आपराधिक गतिविधियों में शामिल नेताओं के लिए तगड़ा झटका हो सकता है। इस रिपोर्ट में इस बात पर भी जोर दिया गया है कि सांसदों या फिर विधायकों के खिलाफ लंबित आपराधिक केस का तेजी से निपटारा होना चाहिए। न्याय मित्र ने बताया कि इनके खिलाफ लंबित 5000 से ज्यादा मुकदमे हैं। इनमें से 2116 ऐसे हैं जो 5 साल से भी ज्यादा पुराने हैं। अकेले उत्तर प्रदेश में ही 1377, बिहार में 546 और महाराष्ट्र में ऐसे 482 मुकदमे लंबित हैं। तो दोस्तों, इस मामले पर आपकी क्या राय है आप हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।